अग्रवाल जी, अब सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हजारीबाग लोकसभा का चुनाव 20 मई को होना है और 20 तारीख को हम सब लोगों को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है, कमल फूल छाप में देना है और यहाँ से श्री मनीष जायसवाल जी को जिता करके दिल्ली भेजना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया। आप सब लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि 8 वर्षों से इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और इन 10 वर्षों में जो इस देश में गाँव के लिए काम किए, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, तो महिलाओं के लिए काम किया, इतना विकास का काम तो इतनी कम दिनों में कोई भी प्रधानमंत्री देश में वो काम नहीं किया था। गरीबों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वो अगर आप देखें, गरीबों को घर देने का उन्होंने काम किया, गरीबों को शौचालय देने का काम किया, जहां देश में इन 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, वहीं पर इस हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 86,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाए गए और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया है, संकल्प किया है कि फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास गरीबों को फिर से मिलेगा। जिस गरीबों को नहीं मिला है उन गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। आप सोचो, जो घर तक की ही चिंता नहीं करते, उससे आगे भी घर में लोगों का कैसे खाना बने, कौन सी में खाना बनाएंगे। पहले हमारी माँ बहने गोईठा पर खाना पकाती है, लकड़ी पर खाना पकाती है, कोयला पर खाना पकाती है, वो धुआं खाती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक भी गैस की कनेक्शन, गैस की चूल्हा पहुंचा दिए ताकि गरीब को भी वो सुविधाएं मिल सके जो शहरों में लोगों को सुविधा मिलता है। और इस लोकसभा क्षेत्र में भी 47,000 से अधिक गरीबों को गैस कनेक्शन उपलब्ध हुआ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प को दोहराया है, जिन गरीबों को अभी तक नहीं मिला है उन गरीबों को भी आने वाला कल में जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर से उन गरीबों को जिसको नहीं मिला है उनको भी, उनके घरों तक भी गैस की कनेक्शन और गैस उपलब्ध होगी। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर की भी चिंता किए, गैस की भी चिंता किए और उसके साथ साथ खाना कोई गरीब भूखे नहीं रहे, और उसके लिए कोरोना काल से लेकर के अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को भी मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज भी उपलब्ध करा रहे। आपके इस हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भी 18,71,000 से भी अधिक लोगों को गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में अनाज मिल रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्षों तक देश के गरीबों को मुफ्त में गरीबों को अनाज मिलेगा ताकि कोई भी गरीब भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं सोएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की भोजन की भी चिंता करते और उसके साथ साथ गरीब अगर कहीं बीमार हो जाते थे तो गरीब यूं ही घर में पड़े रहते थे, पैसे के अभाव में अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज नहीं हो पाता था। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड और उस आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपया तक की मुफ्त में गरीबों को इलाज की यह सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। और आज इस लोकसभा क्षेत्र में 8,09,000 लोगों को
आयुष्मान कार्ड उपलब्ध हुआ है, उस गरीब जब बीमार हो तो वहां वो इलाज करा सकते हैं। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे वो गरीब हो, 70 साल जिसकी उम्र हो गया है, वैसे सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा, वो भी 5 लाख रुपया तक की अच्छे अस्पतालों में मुफ्त में वो भी इलाज करा सकते। और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश में और प्रदेशों में विकास का काम हुआ, और आज तो मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, अगर आज झारखंड राज्य भी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई। कांग्रेस पार्टी ने तो 55-60 वर्षों तक राज किया था, लेकिन अलग झारखंड राज नहीं बनाया, झारखंडियों की भावनाओं का कभी भी उन्होंने सम्मान नहीं किया, बल्कि उसको उन्होंने कुचलने का काम किया। पहले जयपाल सिंह को खरीदा, फिर शिबू सोरेन को खरीदा, लेकिन झारखंड राज नहीं बनाया। अगर झारखंड राज बना है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो अलग राज बनाएंगे। 98 और 99 में सरकार बनी तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज बना। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और आप याद करिए, सरकार बनने के बाद ही विकास का काम भी प्रारंभ हुआ। अब देखिए, पहले गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करते थे, हम सब लोग मेला देखने जाते थे, हाट बाजार जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, पैदल जाना पड़ता था, गरीब जब बीमार भी हो जाते थे गांव घरों में लोग, तो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते थे, और डॉक्टर भी गांव तक जा नहीं पाते थे। गांव की सड़क बनाने की कांग्रेस सरकार ने कभी चिंता नहीं की थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत झारखंड किया, देश के गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया, और इस 14-10 वर्षों के अंदर में 1000-1500 से अधिक किलोमीटर सड़कें इस हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना। आज गांव के लोग भी गाड़ी से गांव से शहर की ओर लोग जा पाते हैं, हाट बाजार जा पाते हैं, मेला जा पाते हैं, बच्चे स्कूल भी जा पाते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर और डॉक्टर भी गांव तक पहुंच पाते हैं। ये अगर किसी ने कोई सुविधा पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब पहले याद करिए, क्या होता था कि इस राज्य के अंदर में गांव में बिजली नहीं होती थी, हम सब लोग लालटेन खरीदते थे, डिबरी खरीदते थे, यह अलग बात है, आज भी कुछ लोग लालटेन लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी तो गांव और घरों तक बिजली भी पहुंच गया। अब लालटेन और डिबरी लोग भूल गया, कारासन तेल को भी लोग भूल गए। अगर इस काम को किसी ने किया है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, और आज इस प्रदेश के अंदर में जिन एनडी अलायंस की जो सरकार चल रही है, ये परिवार की सरकार है, पैसे के लिए लोगों ने सरकार बनाया है, और पैसे की लूट ये लोग सब जगह कर रहे हैं। कोयला की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, लोहा की लूट हो रही है, सरकार के संरक्षण में लूट हो रही है। अगर सरकारी जमीन भी कहीं है तो फर्जी कागजात बना करके दलाल और बिचौलियों के माध्यम से वो भी जमीन बेचा जा रहा है, सेनाओं की जमीन को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, और इसलिए आज यहाँ के पूर्व के मुख्यमंत्री जेल में बंद है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि इस राज्य में जो सरकार है, जेएमएम की मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस भी सरकार में है, ये लुटेरों की सरकार है, और वो लोग भी चुनाव के मैदान में है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ, ये जो जितनी
इंडी अलायंस के लोग हैं, झारखंड विरोधी है, झारखंडियों के विरोधी है, विकास के विरोधी है। सिर्फ ये लोग अपने परिवार और पैसे के लिए लोग राजनीति करते हैं और इतना ये लोग गैर कानूनी काम करते हैं। किस प्रकार से अपने हिसाब से ये लोग बाकी तो बात करते हैं बड़ी बड़ी। मैं तो एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय रांची में हवाई अड्डा है, हम लोग हवाई अड्डा से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, वहीं से आप मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अपने लिए होटवार में, जहां पर हेमंत सोरेन जी जेल में, उसके बगल में से वो लोग उड़ान भरते हैं ताकि पैसा का यहां से वहां ले जाए, और उसके कागजात भी है। तो वहां जितना मोटरसाइकिल में, कहीं साइकिल स्टैंड में जितना पैसा लगता है, मोटरसाइकिल या कार स्टैंड में जितना पैसा लगता है, उतनी ही पैसा में वहां से पैसों की ढुलाई होती है। हम लोगों ने तो इलेक्शन कमीशन को भी भेजा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी गैर कानूनी काम ये लोग करते हैं। अब जहां हवाई अड्डा है वहां पर भी ये लोग गैर कानूनी काम करते हैं हो। तो इसलिए मैंने कहा कि इन लोगों से, इन लुटेरों से हमें झारखंड की जनता को सावधान करना होगा। और आने वाला जो चुनाव है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, हम सब लोगों को एक एक वोट कमल निशान पर डालना है और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बनाना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहर। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।